हेलो भाई, आज मैं प्ले लेके आया हूँ हेयर कट। ये रहा हमारा बिफोर का लुक। चलिए हम अपने हेयर कट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इनके पार्टीशन। पार्टीशन में 4 पार्टीशन ले रहा हूँ, जो कि मैं रेडियल टू प्रोफाइल पार्टीशन रखूँगा। अगर आपको एक सेक्शन सीखनी हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, उसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो ले आऊँगा कि ये सेक्शन कैसे करते हैं। चलिए हमारी सेक्शनिंग हो चुकी है, अब हम अपनी गाइडलाइन बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंग हम अपना सारा हेयर कट करेंगे। हमने ये गाइडलाइन रखी है जो 3 लेवल डाउन रखी है। अब देख रहे हैं मैं सीजर को कैसे चला रहा हूँ पॉइंट कटिंग पर। चलिए हम अपने हेयर कट को चेक कर लेंगे, जो कि हमने गाइडलाइन बनाई है हम उसको चेक कर लेंगे। चलिए अब हम करते हैं अपना हेयर कट स्टार्ट। जो हमारा फ्रंट वाला पोर्शन है, यानी कि जो मेरे फ्रंट के हेयर हैं, वो मैंने सारे ही एक बार में ले लिए। अगर आपकी होल्डिंग अच्छी है तो आप सब सारे बालों को एक साथ लेकर हेयर कट कर सकते हैं। तो मैंने सारे ही बाल एक बार में ले लिए। मैंने अपना फ्रंट वाला पोर्शन सारा एक लाइन में कट कर लिया, जो कि मेरी गाइडलाइन थी उसके अकॉर्डिंग मैंने सारा हेयर कट कर दिया। अब हम बैक से करेंगे, यानी कि उसी साइड से करेंगे, पर हम जो पीछे के बाल हैं उनको लेंगे अपने हेयर कट में। जो हमारे पीछे के हेयर हैं हम उसको फ्रंट पर ही लाकर कट करेंगे। फ्रंट वाले पोर्शन से मैं 2 हेयर पार्टीशन करूँगा, यानी कि 2 बार में हेयर कट कर दूंगा मैं। चलिए हम अपने कॉम को अच्छे से रूप से लेकर आएंगे, ताकि हमारी कॉम अच्छे से हेयर को लेकर आए, हमारा हेयर कट अच्छे से। चलिए अब हम कर रहे हैं अपना हेयर कट। ये हो चुका हमारा हाफ पोर्शन, अब बचा है हमारा बैक से हाफ पोर्शन। हम इनके कर रहे हैं लेयर कट, जो कि हमारे क्लाइंट की रिकमेंड थी कि इनको लेयर कट चाहिए, इसलिए हम इनको लेयर कट चाहिए कर रहे हैं। ये रहा हमारा लास्ट वाला पोर्शन, जो कि हमारा लास्ट में रह गया था, ये कर दिया हमने डन। अब ध्यान देना, जब मैं राइट वाला पार्ट कर रहा हूँ तो मैं राइट की तरफ होकर फिर उस कट को कर रहा हूँ। ये हो चुकी है हमारी राइट की साइड। अब मैं करूँगा लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड की तरफ जब मैं कट कर रहा हूँ तो मैं लेफ्ट साइड खड़ा हूँ और अपनी गाइडलाइन अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ, जो कि मैंने पहले अपनी गाइडलाइन बनाई थी। अब मैं कर रहा हूँ पीछे वाले बालों को कट, यानी कि हमारा जो बैक का पोर्शन है उसको कट कर रहा हूँ मैं। अब देख रहे हैं मैं कैसे कॉम को लेके आ रहा हूँ, जो कि मैं अच्छे से कर रहा हूँ रूट से। जो हमारे पीछे के बाल थे इसको आगे वाले बालों के साथ मैं मर्ज कर दूंगा, यानी कि मिक्स कर दूंगा। अब देख रहे हैं मैं कैसे कट कर रहा हूँ। आपने जब भी कोई हेयर कट करना है तो अपनी कॉम अपने पास ही रखनी है, यानी कि अपनी कॉम को थंब के पास होल्ड करके रखना। अगर आपको सीजर ओवर कॉम की होल्डिंग सीखनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, उसके लिए मैं एक वीडियो स्पेशल बना दूँगा। चलिए ये कर दिया हमने प्रॉपर अपना हेयर कट। अब हम करेंगे हेयर कट को चेक, जो कि मैं नीचे की तरफ से करूँगा। हमारा हेयर कट एकदम इवन आया है। अब मैं इनके जो हमारे क्लाइंट हैं उनको थोड़ी और लेंथ शॉर्ट चाहिए, इसीलिए मैं अपना एक ही बार में सारा हेयर कट कर दूंगा। अगर आपकी होल्डिंग अच्छी है तो
तो आप एक बार में ही सारा हेयर कट कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ। चलिए, जब मैं इनका राइट वाला हेयर कट कर रहा हूँ तो मैं राइट की तरफ होकर कर रहा हूँ। देखिए, हमारा राइट की तरफ से हेयर कट हो चुका है। अब हम उसको कर रहे हैं चेक, यानी कि इसको री चेक कर रहे हैं। चलिए, हमारा राइट की तरफ से हेयर कट हो चुका है। अब मैं करूँगा लेफ्ट वाला हेयर कट। अगर आपको कटिंग में कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर देना, उसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूँगा। उस हेयर कट को कैसे करना है या फिर हेयर कट की डिग्रियाँ, कट शेप का नेम आपको सब बता देंगे कैसे करना है। अभी क्या है, अभी काम बहुत चल रहा है। जो हमारी वीडियो आने वाली है वो हर एक सब्जेक्ट के ऊपर आएगी कि फिर को कैसे करना है, सीजर होल्डिंग के लिए हमारी डिग्रियाँ, हमारा ब्लो ड्राई, हेयर कट, हर एक के ऊपर वीडियो आएगी। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे कि दूसरे लोग हैं, जो दूसरे बच्चे हैं, वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। चलिए, हम कर रहे हैं इनका ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई में जो कर रहा हूँ उनका इंकल कर रहा हूँ, यानी कि इंटर्न कर रहा हूँ। हम इनके बालों को अंदर की तरफ मोड़ देंगे, जो कि मैं ब्रश और ड्रायर की हेल्प से करूँगा। यहाँ पर मैं अपने जो ड्रायर की हीट है उसको मैंने फुल रखा है और मैंने ब्लो को भी फुल रखा है, यानी कि जो हवा आ रही है उसको भी फुल रखा है। हम इसको अंदर से टर्न करेंगे। टर्न करने के लिए मैं अपने ब्रश को राउंड की तरफ घुमाऊंगा, यानी कि अपनी तरफ घुमाऊंगा अपने ब्रश, जिससे कि हमारा शेप अच्छे से आ जाए, जो कि हमारे ब्लो ड्रायर का शेप है, यानी कि हमारा हेयर उस शेप को पकड़ ले जो हम उसको देना चाहते हैं। चलिए, हमारा जो ब्लो ड्रायर वो हो चुका है, यानी कि हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब मैं कर रहा हूँ फ्रंट की तरफ। इसमें मैंने ब्लो ड्रायर ज़्यादा डीपली नहीं बताया है, क्योंकि अगर मैं ब्लो ड्रायर इतना डीपली बताता तो हमारी वीडियो लंबी हो जाती, इसीलिए मैंने ब्लो ड्रायर को हाफ स्किप कर दिया है। अगर आपको ब्लो ड्रायर के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल देना, उसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा। कर रहे हैं अपना फ्रंट की तरफ से ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई करते टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, अपने हेयर को अच्छे से टर्न कर रहा हूँ और जो मेरी स्पीड है वो अच्छे से जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ताकि हमारे क्लाइंट को हीट ना लगे जबकि मैं स्कैल्प की तरफ से काम कर रहा हूँ। और अपने हेयर को अच्छे से ब्रश में घुमा रहा हूँ ताकि हमारे हेयर में शाइन भी आए और हमारा हेयर एक जगह स्टेबिलिटी में भी आ जाए। अब देख रहे हैं मैं कैसे अपने ब्रश को अच्छे से घुमा रहा हूँ ताकि हमारा हेयर एक शेप पकड़ ले जो कि मैं उसको देना चाहता हूँ। चलिए, यह हो चुका हमारा फ्रंट का पोर्शन। अब मैं कर रहा हूँ अपने हेयर कट में टेक्सचराइजिंग। टेक्सचराइजिंग का मतलब होता है मैं अपने हेयर कट में नोचिंग कर रहा हूँ, जिससे क्या जो हमारा हेयर कट है वो एक इवन लुक में आएगा। और टेक्सचराइजिंग का बेनिफिट ये होता है जो हमारे दूसरे हेयर हैं जिसको हमने कट कर दिया है वो बड़े हेयर को पुश करते हैं, जिससे कि एक हमारे कट में बाउंसिंग आता है, यानी कि बॉडी आ जाती है। उसके लिए मैं इसको टेक्सचराइजिंग कर रहा हूँ अपने हेयर में। अब मैं कर रहा हूँ स्लाइसिंग टेक्सचराइजिंग, जो कि एक टेक्निक है। अगर आपको टेक्सचराइजिंग के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल देना, उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। चलिए, अब मैं करूँगा लेफ्ट वाला पोर्शन टेक्सचराइजिंग। अगर आपको मेरे से बात करनी हो या फिर मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर।
और मुझे वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं, यानी कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कि हमारा हेयर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन रहेगा। अगर आपको लॉन्ग हेयर कट में, जो कि हमारा बॉय हेयर कट है लॉन्ग का, उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मैंने उसका लिंक नीचे दे दिया है, जो कि हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और बीएड वाला भी दे दिया है। चलिए अब मैं करूँगा अपना बॉक्स सेक्शन, जो कि मैंने छोड़ दिया था पाथ के लिए, यानी कि हमने साइड वाले हेयर को अच्छे से फिनिशिंग दे दी थी। बॉक्स सेक्शन में अब कर रहा हूँ, अब देख रहे हैं मैं बॉक्स सेक्शन को 90 डिग्री पे कर रहा हूँ, ताकि हमारे हेयर में जो है वो बॉडी आ जाए, यानी कि एक बाउंस आ जाए। यहाँ पर मैं जो ब्रश यूज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ बिग राउंड ब्रश, अब देख रहे हैं मैं कैसे अपने बालों को अच्छे से ड्राई कर रहा हूँ, ताकि उसमें शार्प लुक आए। और मैं अपने ब्रश को कितना घुमा रहा हूँ जिससे कि हमारा हेयर एक शेप पकड़ लगे, जो कि मैं उसको देना चाहता हूँ। चलिए हमारा ब्लो ड्राई हो चुका है, अब इसको हम छोड़ेंगे। इसको छोड़ने का भी एक वेव होता है, जो कि बहुत से हेयर ड्रेसर क्या करते हैं, गलत वेव से छोड़ते हैं, वो स्टेबिलिटी में नहीं रहता। हम इसको ऐसे अच्छे से छोड़ेंगे, और अब हम, ये रहा हमारा फाइनल लुक। अब हम क्रीम अप्लाई करेंगे, क्रीम अप्लाई के बाद ये रहा हमारा हेयर कट का फाइनल लुक, जो कि लेयर हेयर कट का है।